मानता हूँ न्याय का शासन करता हूँ। जंतर मंतर पर मैं आपको दिखा दूँ, आरक्षण को लेकर के लगातार जो है धरना प्रदर्शन होता है और वो भी रहा है सारे राजनेताओं पर, यानी कि जंतर मंतर पर जो है उसके बाद दोबारा बरेली से काफी संख्या में लोग आए हैं जो कि सवर्ण है और ये लोग आरक्षण के खिलाफ धरना कर रहे हैं। अभी कोर्ट का भी कुछ दिन बाद जो है ऑर्डर आएगा, आइए जानते हैं पर ये क्या कहना चाहते हैं। पहले मैं नाम आपका जानना चाहूंगी। राजकमल सिंह, भारतीय राष्ट्रवादी समानता पार्टी का मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ और राष्ट्रीय समर संघ का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। सर, जिस तरीके से आप लगातार SC ST एक्ट के खिलाफ, आरक्षण के खिलाफ धरने करते हैं, आज भी आप लोगों का जो है धरना चल रहा है जी, जी, जी। इसी मुद्दे को लेकर कुछ दिन बाद जो है कोर्ट का भी ऑर्डर आने वाला है जी, जी। क्या कहेंगे सर? भाई देखिए, कोर्ट को सबसे पहले तो समानता की परिभाषा निर्धारित करनी होगी। कोर्ट में जो हमारे जजेस बैठे हैं उनको समानता की परिभाषा पता होनी चाहिए। उनको समानता की परिभाषा नहीं पता है, इसीलिए कभी वो 50% आरक्षण लागू कर देते हैं, कभी 60% लागू कर देते हैं और देश को बांट देते हैं, तो ये गलत हो रहा है। इसका हम मैं विरोध करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि देश में आरक्षण ना हो, अगर हो भी तो आर्थिक आधार पर हो। आरक्षण तो जाति के आधार पर है ना सर? जी, बाबा साहब ने कहा था क्योंकि जाति के आधार पर जितनी कहते हैं ना, जितनी जिसकी संख्या होगी उतनी उसकी हिस्सेदारी होगी। तो आरक्षण काफी दिनों से चलता चला आ रहा है जाति के आधार पर, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आर्थिक आधार पर हो जाए? देखिए, अंबेडकर समझदार व्यक्ति थे, उन्होंने 10 वर्ष के लिए आरक्षण हमारे देश में लागू किया था। उन्हें पता था कि आरक्षण के कारण देश एक दिन बढ़ जाएगा, गृह युद्ध हो सकता है, और 10 वर्षों में उनको पता था कि जो दलित वंचित पिछड़ा वर्ग है उनको प्रतिनिधित्व मिल जाएगा, और आज देश में चाहे SC वर्ग हो चाहे OBC वर्ग हो, वो अपनी संख्या से बहुत अधिक अपने मतलब उनको अपना प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। तो अब उन्हें प्रतिनिधित्व की जरूरत नहीं है, वो अब सवर्णों से आगे निकल चुके हैं, इसलिए आरक्षण को पूर्णतः समाप्त किया जाना चाहिए या आर्थिक आधार पर लागू किया जाए। अभी समानता हुई है सर, आप ही बताइए कहाँ समान है? क्या एक दलित जो काफी मैं आपको दिखा दूंगी, दलित समाज के लोग जो हैं आज भी ऐसी जिंदगी जी रहे हैं, उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। देखिए, उनको सुविधा के नाम पे बहुत सी योजनाएं दी जा रही हैं भारत सरकार, प्रदेश सरकारों के द्वारा, और साथ ही साथ उनके नाम पे बहुत सारी बजट दिए जा रहे हैं, योजनाएं बनाई जा रही हैं। उनको सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, बल्कि उनकी आदत खराब की जा रही है, उनके स्वभाव को खराब किया जा रहा है, उनको काम न करने की एक आदत डाली जा रही है, उनको हराम खाऊ योजनाएं दे दे करके हमारे देश के नेताओं ने, हमारे देश से जो परिश्रम करके प्रतिभाओं को आगे बढ़ना चाहिए उन प्रतिभाओं को मारने का काम लगातार कर रही हैं। और अब समानता की जहां तक बात है, सर, आप कैसे कह सकते हैं कि उनके अंदर प्रतिभा नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कहता, मैं तो उनके अंदर ये नहीं कहता, सभी जातियों में प्रतिभा है, प्रतिभा के आधार पे ही प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ना कि आरक्षण के आधार पे। और हर जगह प्रतिनिधित्व आज उनका है, चाहे वो राष्ट्रपति का पद हो, चाहे वो राज्यपाल का हो, चाहे मुख्यमंत्री का हो, चाहे MP MLA हो, भाई ये तो उनका प्रतिनिधित्व पिछले 70 सालों से लगातार हो रहा है। चाहे वो ग्राम पंचायत का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे नगर निकाय के चुनाव हो, 50% और SC ST के लिए 22.5% का आरक्षण लगातार जब से देश आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ, उनको दिया जा रहा है। तो उनका प्रतिनिधित्व इतने वर्षों में अगर नहीं आया तो आने वाले, तो क्या कल्पना की जा सके कि आज वो बड़े बड़े पदों पर पहुँचने के बाद भी अगर वो दलित दलित ही बने रहना चाहेंगे तो इस व्यवस्था को कोई नहीं सुधार सकता। अर्थात बात कर रहे हैं सर, बड़े बड़े पदों पर तो आप देखेंगे सर्वण समाज के ही लोग हैं? नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं है। अगर योग्यता के आधार पर, अगर सर्व देखिए आरक्षण के आधार पर नहीं, वो योग्यता के आधार पर, योग्यता क्या चाहते हैं, योग्यता आगे नहीं आनी चाहिए। देखिए ये बात ऐसे है, ऊपर बैठे ऐसे मैं बोल रहा हूँ एक मिनट। देखिए आप इसको ऐसे समझिए, अधिकारी आप देखिए, मैं आपको इसका वो योग्यता के आधार पर, एक मिनट है, मैं उनको बता रहा हूँ। देखिए, जो 50% आरक्षण लागू है, ठीक है ना, वहाँ तो समण जा ही नहीं सकता, तो वहाँ तो 50% तो समण हो ही नहीं सकता, और 50% में सभी योग्य लोग हैं, जिसमें समण ज़्यादा हो सकते हैं, 50% में ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो बाकी का 50 है वहाँ तो आरक्षण है, वहाँ समण कैसे ज़्यादा हो सकते हैं, ये तो संभावना। और जो योग्यता जिसमें भी हो वो प्रतिनिधित्व करे,
भाई राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी में प्रतिनिधित्व करने की क्षमता है। तो बड़ी मछली कहाँ छोटी मछली को आप पढ़ने देगी, वो तो खा जाएगी। हाँ तो उनके वर्ग तो बड़ी मछली उनके ही वर्ग में बड़ी मछली है, तो उनको उनका आरक्षण खत्म करके हम चाहते हैं कि गरीबों को गरीबी के आधार पे आर्थिक आधार पे आरक्षण दिया जाए या इसको समूल नष्ट कर दिया जाए, इससे देश में गृह युद्ध होने की संभावनाएं बढ़ती जा रही है। अच्छा सर आप ठाकुर हैं जी, जी जाति से आप ठाकुर हैं तभी आप आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, ठीक है ना सर। एक गांव ऐसा है अभी यूपी में जहां पर ठाकुरों की गांव में ही एक दलित समाज के व्यक्ति की बारात जा रही थी, उसकी बारात को रोका गया कि यहां पर दलित समाज के व्यक्ति की बारात क्यों जा रही है। नहीं अब ऐसे गांव नहीं है, अगर ऐसा कहीं हुआ है तो ये गलत हुआ, उसका ठाकुर और दलित से कोई मतलब नहीं है। इस तरह का अगर कुछ कृत्य हो रहा है, देखिए वहाँ पे कानून उनके साथ है, संविधान उनके साथ है, समाज उनके साथ है, देश के नेता उनके साथ है। अगर ऐसा कहीं कुछ होता है तो व्यक्तिगत लड़ाई हो सकती है, वो जातिगत नहीं हो सकती। कोई जाति किसी जाति का विरोध नहीं करती। हम होटलों पे जाते हैं, पार्टियों में जाते हैं, प्रोग्रामों में जाते हैं, वहाँ तो हम जाति नहीं देखते और हर जाति वर्ग के लोगों को हम लोग बुलाते हैं। हम तो जाति देख के कोई काम नहीं कर रहे और कानून भी उनके साथ है, तो ऐसा कहाँ है, कहीं भी नहीं है ऐसा, कहीं यूपी में ऐसा कुछ नहीं है। आज भी जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। नहीं वो अटा हम लोगों को लिमित ठकुट्टा कहा जाता है, तो इसमें क्या बुराई है। और इस और देखिए और पहली बात तो जैसे मुझे कहा गया कि मैं ठाकुर हूँ, ठाकुर होने से पहले हर व्यक्ति इस धरती पे इंसान होता है। नहीं जाति सूचक पे फायदा लेकर नौकरी पा सकते हैं और हम उनका नाम ले लेंगे तो हम पे हमें जेल भेजा जाएगा। ये भेदभाव कब तक, ये अन्याय क्यों, ये असमानता क्यों। वो सर्टिफिकेट लिखते समय लिखते नहीं है क्या अपने नाम के आगे, चमार नहीं दे रही है। नहीं आप ये बताइए कि वो अब वो सर्टिफिकेट बनवा के घूम रहे हैं, वो उससे नौकरी ढूंढ रहे हैं, उससे वो राजनीति कर रहे हैं, उससे आर्थिक आधार आर्थिक फायदे ले रहे हैं, योजनाएं ले रहे हैं, उनके लिए आर्थिक बजट दिया जा रहा है, तब उनको बुरा नहीं लगता है। तब तो वो सीना ठोक के कहते हैं मैं एससी का हूँ। अगर कोई व्यक्ति जाति का नाम ले लेता तो उनको बुरा लग जाता है, हमें क्यों बुरा नहीं लगता है, हमें ठाकुर कहा जाता है या हमें ठाकुट्टा कहा जाता है, ठाकुट्टा कह दिया जाता है तो हमें क्यों नहीं बुरा लगता है, उन्हें क्यों बुरा लगता है। ये फीलिंग है कि हराम की चीज़ें खाने की आदत पड़ रही है और उसे वो छोड़ना नहीं चाहते कुछ लोग। हम सभी दलित समाज को नहीं कह रहे हैं, केवल 1% उसमें से जो लोग हैं वही लोग इस ये समाज में विघटन पैदा कर रहे हैं, बाकी जो आरक्षित वर्ग है उसमें से भी 99% 95% लोगों को इस आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिलता है। मतलब जिसको आप कहना चाहते हैं जिसको आरक्षण मिलना चाहिए उस तक वो आरक्षण नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं मिल रहा, या तो उनको दिया जाए या पूरा खत्म किया जाए। हम लोग इस आंदोलन को चलाए, आवश्यकता है, समीक्षा होनी चाहिए, उस पर बात ही नहीं होती है। अच्छा सर रही बात, अभी आप लोग कह रहे हैं कि SST एक्ट भी खत्म होना चाहिए, जी जी, क्या आप इस वजह से कह रहे हैं विष्णु तिवारी जी जो 20 साल के भी सजा काट के आए और फिर बाद में उनको निर्दोष साबित कर दिया गया। भाई ये न्यायालय की देखिए कितनी ढीली व्यवस्था है, हमारे देश की कितनी खराब व्यवस्था है कि 20 वर्ष बाद ये सिद्ध कर पाते हैं कि ये दोषी है कि निर्दोष है, ये कितनी खराब व्यवस्था है। उस परिवार का क्या होगा, उसके उतने समय का क्या होगा, जो उसकी कमाने की उम्र थी, जो रोजगार करने का उम्र था, जो शादी विवाह करने की उम्र थी, वो सब तो उसकी बर्बाद हो गई, तो इसका मुआवजा कैसे उसे मिलेगा। एक व्यक्ति को जाति के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा, एक व्यक्ति को जाति के आधार पर 20 साल की सजा दी जाएगी। भाई एक भेदभाव कैसे चलेगा एक देश में, एक देश में एक संविधान होना चाहिए, एक संविधान में एक कानून होना चाहिए। जाति और धर्म के नाम पे ये योजनाएं ये कानून कब तक चलाई जाएंगी, ये देश का बंटवारा कब तक किया जाएगा, इस अन्याय का मैं पूर्ण नहीं, समानता नहीं दी गई, भेदभाव दिया गया है सब। ऐसे संविधान में संशोधन होना चाहिए। व्यक्ति की हत्या होती है वहाँ अन्याय और असमानता की बात होती है, जांच होती है, इसमें कोई जांच ही नहीं होनी है, पहले दहल होनी है और 6 महीने बाद जांच होगी, बिना जांच के वो भी जब वो चाहेगा, जब जो है एक तो 6 महीने बाद बेल एप्लीकेशन डालेंगे, उनको इसके लिए पैसा भी दिया जाएगा, हमारा कोई गरीब भाई हो तो उसको कोई मुकदमा लड़ने का भी कोई पैसा नहीं मिलता। मतलब आपका कहने का कहना है पूरा सीधा सीधा कि SC ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, पूरी तरह से दुरुपयोग हो रहा है और जिस चीज का दुरुपयोग हो रहा है उसे पूर्णतया खत्म भी होना चाहिए। समाज बट रहा है, इसका सदुपयोग हो नहीं सकता, इसलिए इसका दुरुपयोग ही होगा और जिसका दुरुपयोग ही होगा वो मतलब कहीं भी कानून के दायरे में नहीं होना चाहिए, उसका अस्तित्व तो खत्म होना चाहिए। जैसे कोई गंभीर घटना होती है, मर्डर होता है 302 में,
रेप होता है उसमें ऑटोमेटिक स्टे लगता है, लेकिन छोटी छोटी घटनाएं बना करके एससी एसटी का मुकदमा जब लगाया जाता है उसको वो दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आप ये कहना चाहते हैं एससी एसटी एक्ट जो है अब ये उनका हथियार हो गया है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही सच्चाई है। अब मतलब एक विशेष वर्ग ने जिसको सच में ऐसी घटना होती है तो ये है ना सर, उनके लिए कौन मना कर रहा है? नहीं नहीं भाई, ये तो साधारण लोगों की नहीं नहीं बात हो रही है, साधारण लोगों के लिए कैसे कह सकते हैं कि वो जो जानबूझ के लगा रहे हैं वो खा रहे हैं? नहीं देखिए, नहीं जो अभी हमें जो फैसले मतलब हमें जजमेंट दिखाई दे रहे हैं वो जजमेंट 99% झूठे आ रहे हैं, मतलब हाँ कि वो ये हाँ एससी एसटी का दुरुपयोग किया जा रहा है बिल्कुल, इसका पैसा बना लिया गया, पैसा बना लिया गया है, पैसा मिलता है, मुकदमा लगाओ पैसा मिलेगा उनके लिए, जब पैसा उनके लिए जैसे आप मुकदमा लगाए 1.5 लाख वो मिलेगा, चार्जशीट लगी तब मिलेगा, तो इस आधार पर जब वो करेंगे उनको मतलब लगभग 8,25,000 रुपए के आसपास मिलता है उन लोगों को, कि फैसला करने का पैसा लेंगे, ये भी तो करेंगे दुरुपयोग, नहीं तो क्या है इसका, ये फैसला करेंगे तब पैसा मांगेंगे, ये तो दुरुपयोग ही पूरी तरह से। ऐसे आप कुछ समय बाद जो है आपका जो आरक्षण के ऊपर एससी एसटी एक्ट के ऊपर जो आप लोगों ने अपील डाल रखी है, पिटीशन डाल रखी है कोर्ट में, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए हम चाहते हैं कि पहली बात तो जो न्यायालय में हमारे जजेस बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे चीफ जस्टिस बैठे हैं, उनको समानता के विषय में जानकारी होनी चाहिए, उनको असमानता के विषय में जानकारी होनी चाहिए। देश में अब असमानता कहीं भी नहीं है, सबके साथ समान व्यवहार हो रहा है, तो उसी आधार पे कानून बनने चाहिए, उसी आधार पे आरक्षण अब खत्म होना चाहिए, लागू होना ही नहीं चाहिए। आरक्षण चिकित्सा और शिक्षा पे आरक्षण होना चाहिए। हाँ बस गरीबों को, जो गरीबों को है वो भी जाति के नाम हो चाहे दलित हो, अगर उसकी शिक्षा का स्तर अच्छा किया जाएगा तो उसे आरक्षण की आवश्यकता, शिक्षा और चिकित्सा में सरकार के स्तर में उनका आरक्षण नहीं है। सरकार की नीतियां देखिए, उस शिक्षा को अच्छी नहीं करोगे, जब शिक्षा अच्छी नहीं करोगे तो आरक्षण की मांग करेंगे, यहाँ 80 नंबर लाने वाला उसको नौकरी नहीं मिलेगी, 20 नंबर वाला टीचर बनेगा तो क्या स्कूल में पढ़ाएगा? 50% को तो जाति के आधार पर दी जा रहा है, और जो सवर्णों के लिए घोषित किया गया 10% EWS जो किया है उनके लिए वो आर्थिक आधार पर, आर्थिक आधार पे ये कौन सा खेल भाई, एक को आर्थिक आधार पे दोहरी राजनीति। हमारा मानना यह है कि आरक्षण नाम की कोई भी व्यवस्था होनी ही नहीं चाहिए, और है भी तो वो आर्थिक गरीबी और आर्थिक आधार पे हो, गरीबों को संरक्षण देने की बात होनी चाहिए, उसके लिए खाना फ्री दीजिए, आपको रहना चिकित्सा दीजिए, पढ़ाई फ्री कराइए, आप अच्छी ट्यूशन कराइए, वो भी जाति के नाम पे नहीं, गरीबी के नाम, गरीबी के नाम पर, गरीबी के ना कि जाति के नाम, जाति व्यक्ति का हो। अगर एक ब्राह्मण, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगी, एक ब्राह्मण अगर एक मूर्ति लेकर के बैठा जाता तो वो पूजनीय हो जाता है, लेकिन आज भी एक मंदिर में एक दलित चला जाता है बहुत हीन भावना से देखा जाता है, ऐसा तो कहीं नहीं, ऐसा कहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप कोई मुझे एक उदाहरण प्रस्तुत कर दीजिए, अभी राम कोविंद जी हमारे राष्ट्रपति जी बांके बिहारी मंदिर रुके हैं, किसी ने कुछ रोका क्या? जो यूपी में जो मुख्यमंत्री जी जब हटे थे वहाँ के, तो वहाँ पे गद्दी को वो राजनीति है, वो राजनीति है, वो तो राजनीति, और ये नहीं होना चाहिए, वो 40 ब्राह्मण एमएलए थे, ये नहीं होना चाहिए, बनाया गया, और नहीं लॉकडाउन, नहीं लॉकडाउन और कोरोना COVID-19 ने बताया कि साफ सफाई रखनी भी चाहिए, अगर एक ऑफिस कोई पहले रहता था वो घर खाली करके जा रहा है, दूसरा उस घर में रहने के लिए आ रहा है, अगर सफाई करा रहा है तो क्या दिक्कत है इसमें? लोग किराए के, इसको भेदभाव, हाँ इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया गया, इसको भेदभाव की नजर से नहीं देखना चाहिए, इसे COVID-19 के अंतर्गत जो आज व्यवस्था लागू हो रही है कि मतलब सफाई से रहना चाहिए, वो सफाई का अंग है, वो एक तरीका है कि हम सफाई से रहते हैं, सफाई करनी चाहिए। यात्रा निकलती है सभी समुदाय, हर मतलब हिंदू धर्म का हर व्यक्ति जाता है वहाँ, कोई नहीं कहता ये उनकी जाति के लोग जा रहे हैं, कोई जा रहे हैं, ब्राह्मण भी जा रहा है, काइस भी जा रहा है, बनिया भी जा रहा है, कोई भी मंदिर चाहे मथुरा में हो, काशी में हो, वृंदावन में, जहाँ भी अगर मंदिर सुबह ताले खुलते हैं तो वहाँ ये जाति देख के प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, सभी जाति के लोग जाते हैं, तो क्या वहाँ पे ये कि एक घंटे बाद यहाँ इस जाति का आदमी आया था, इसकी नहीं इसकी धुलाई कराई जाएगी, ये तो कहीं नहीं होता मंदिरों पे। मतलब कहीं ना कहीं आप क्या कहना चाहते हैं, ये जो जाति आरक्षण और ये एससी एसटी जो भी आप लोग खत्म कर, हाँ अन्याय है, भेदभाव है, भेदभाव हो रहा है, वोटों की राजनीति, केवल राजनीति, केवल राजनीति, लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? मैं बस भारत सरकार और देश की सभी सरकारों से, देश के सभी नेताओं से, देश के सभी नागरिकों से मात्र एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आरक्षण, एससी एसटी एक्ट और जाति धर्म के नाम पर होने वाले भेदभाव देश में नहीं होने चाहिए, इस पे बनने वाले कानून खत्म किए जाने चाहिए, इस नाम पे जो देश का बहुत बड़ा बड़ा बजट निकलता है जाति और धर्म के नाम पे वो खत्म किया जाना चाहिए, इस नाम पे योजनाएं नहीं होनी चाहिए, बस इतना ही कहता हूँ, देश को बांटना बंद करें नेता लोग, और देश में एकता, अखंडता,
सभी नागरिकों में एक समान लाने का प्रयास किया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय मनु।